उसके लिए हम लोग अपने इस लॉकडाउन के बीच में भी हम उनके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो कोरोना महामारी से दुनिया भर में तबाही मची है, उन सबके प्रति हम अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं कि ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन सब लोग मिलजुल के और अपना बचाव करके और इस महामारी से हम लोग निपटेंगे। जो लोग जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनको हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके प्रति। लेकिन चूंकि हम घर में हैं, तो हम बाबा साहब के जन्मदिन को एक त्योहार की तरह मनाते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं। होली दिवाली से ज्यादा हमारे लिए ये अंबेडकर जयंती मायने रखती है, इसलिए इसको हमने ऑनलाइन वर्चुअल मोड में रखा है ताकि हम सब लोग से मिल सकें, बातें कर सकें। तो अभी मैं तरन्नुम को ऑफ कर रहा हूँ, तरन्नुम विल सिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय और सभी को अंबेडकर जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। जरूर बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से भी हम लोग अंबेडकर जयंती को मना रहे हैं। क्रांति हम लाएंगे, जज्बा है दिल में, झुकने न देंगे खुद को तेरे मिशन। क्रांति हम लाएंगे, जज्बा है दिल में, झुकने न देंगे खुद को तेरे मिशन में। भारत में छाएगा सपना जो तेरा, कसम तेरी बाबा, लेते हैं प्रण हम कारवा को तेरे, थमने न देंगे, धन्य धन्य बाबा, धन्य धन्य बाबा, धन्य धन्य बाबा। और मैं तो एक फैन हूँ आपका हमेशा से, जब भी आप गाती हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। शुरा सर आप अपनी बात रखें। हाँ सुमित जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी जितना मेरा जीवन है, मेरी उम्र है, उसका आधे से बड़ा हिस्सा बाबा साहब के मिशन पर सोचते और करते गुजर गया। बार बार बाबा साहब की याद इस रूप में आती है कि बाबा साहब के रास्ते पर अगर देश चला होता तो हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम किसी चीन और अमेरिका से पीछे नहीं होते। बंद तो हम रहते, आपत्तियां आती हैं या संकट आते हैं, और भी आ सकते हैं और आते रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए लोगों को समर्थ और सक्षम बनाना ये बाबा साहब की शिक्षाएं सिखाती हैं। तो मेरा सिर्फ निवेदन यही है और ये मैं कहना चाहूँगा कि चाहे सरकार सुन रही हो, हम सुन रहे हो, कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें और बाबा साहब का जो साहित्य है उस साहित्य को सरलीकृत करके, चूँकि हमारे बहुत सारे लोगों की शिक्षा का दर्जा बहुत कम है या स्तर बहुत कम है, तो हम लोगों का चाहे जो पत्रकार हैं, चाहे लेखक हैं, कवि हैं, वो सरलीकृत ढंग से नीचे तक संदेश को पहुंचाएं। बात पहुंचनी चाहिए किसी भी रूप में, और मैं समझता हूं कि ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बाबा साहब के जन्मदिन को सही रूप में मना रहे होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका शामिल होने के लिए भी बहुत शुक्रिया, और आपने जो बातें बताई वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। सब लोग, हम लोगों की कोशिश यही है कि जो ज्ञान का प्रकाश है उसके तरफ हम जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें यही नारा दिया है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए। मैं अभी जो है अशोक दास सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। अशोक दास सर, आप अपना आप वैसे तो बहुत सारे इनमें सम्मानित लोग ऐसे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाकी क्यों कई साथी देश भर से अलग अलग जगह से जुड़े हैं, तो एक संक्षिप्त परिचय आपका, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, ताकि लोग जो आप हम लोगों को नहीं जानते हैं वो जान पाए, एक दूसरे को समझ पाए,
और कुछ बात जो आप बाबा साहब की जयंती के मौके पे कुछ हम लोगों से कहना चाहें। अशोक सर। सबसे पहला, सबसे बड़ा भ्रम अगर जीवन में कोई है तो वो यही है कि मुझे सारे लोग जानते हैं, किसी के लिए भी। ये किसी को नहीं सोचना चाहिए कि उसे सारे लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे का परिचय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको तो कोई नहीं जान पाया। मुझे लगता है कि एक कोरोना हुआ जिसको सारी दुनिया जान पाई। बाकी मेरा नाम अशोक दास है और मैं तकरीबन 13 साल से मीडिया में हूँ। मिनिस्ट्री मीडिया में तकरीबन 8 साल मैंने काम किया लगातार, 5 साल पार्लियामेंट कवर किया और इंडियन नेशनल पॉलिटी कवर की। उसके बाद 2012 में मैंने दलित दस्तक नाम से एक मैगजीन शुरू की और अभी वर्तमान में उस मैगजीन को 8 साल हो चुके हैं, मंथली मैगजीन है। और जब से आंदोलन में हम सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब किसी का अपने अपना तजुर्बा है, ये पहली बार है हम लोग जब इतने शांत बैठे हुए हैं। नहीं तो 13 तारीख को तो इतनी धमाचौकड़ी मची रहती है दिमाग में कि कल यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जाना है, और कहीं ना कहीं प्रोग्राम में हम लोग जाते ही रहते हैं सारे लोग। ये चीज़ें हैं। मैं बस एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें तो होती रहेंगी जब हम लोग आपस में पर्सनली बात करेंगे, अगर किसी को करना होगा तो, कि एक बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि जो यूथ है जिसकी उम्र 25 से 50 साल के बीच में है, स्वराज सिंह बेचैन सर आप बुरा मत मानिएगा, हम लोग आपको भी शामिल करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो यूथ है जिसकी उम्र 25 से 50 साल के बीच में है वो अलग अलग फील्ड का है, तो उनकी एक ऐसी ही मीटिंग अरेंज करें हम लोग, और वो प्री रिकॉर्डेड हो सकता है सुमित जी, कि वो अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। मतलब सब कोई हम लोग अम्बेडकरिज्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका पर्टिकुलर एक लक्ष्य होता है। जैसे मेरा लक्ष्य ये है जीवन का कि मैं ये सपना देखता हूँ और मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ कि मैं अपने जो वंचित समाज है उसका अपना एक मीडिया एस्टैब्लिश कर सकूँ जो मिनिस्ट्री मीडिया को टक्कर देता हुआ हो, उतने बड़े लेवल पे काम कर सकूँ, एक हम लोग का अखबार हो, एक आने वाले दिनों में चैनल हो। तो मैं सपने को लेकर चल रहा हूँ। वैसे ही सबके सपने होंगे, अपनी सबकी रुचि होगी अलग अलग विषयों पर काम करने की। तो 5-5 मिनट में सब कोई बता सकता है कि उनकी रुचि क्या है, 5 मिनट बहुत होते हैं बोलने के लिए। तो वैसा एक हम लोग आने वाले दिनों में शेयर करें अपनी बात, और फिर एक ऑनलाइन मीटिंग के बाद हम लोग जब बात बनती है, कुछ आइडियाज निकल के आते हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलें, कहीं मीटिंग करें, राउंड टेबल मीटिंग करें, और एक ऐसा ग्रुप बने, एक ऐसी टीम बने जिसमें सारे लोग एक दूसरे की मदद करें उसके उसके उद्देश्य में। तो आप सबको अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई। तरन्नुम ने बहुत अच्छा गाया, सुमित जी आपको बहुत धन्यवाद आपने अरेंज किया, और मुझे बस इतना ही कहना था। जय भीम टू ऑल। थैंक यू सो मच अशोक सर, आपसे हमेशा हम लोग सीखते रहते हैं। और आप तो बुद्ध मित्रा, आप अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप जो हैं आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। बुद्ध मित्रा ने हमें मैसेज किया है कि वो गाना गाना चाहती हैं। जय भीम नमो बुद्धाय आपको और आप सभी को, जय भीम नमो बुद्धाय। और आपने ये बहुत ही अच्छा अरेंज किया है कि सब लोग ऑनलाइन सेलिब्रेट करें बाबा साहब जी का जन्मदिन। तो आज ही मेरा एक जो लॉन्च हुआ है। ओके, लवली, प्लीज सुनाइए सब लोगों को। जी जी। आडम्बर और पाखंडों का मिल करके संहार करे, पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करे, मानवता के नाम करे। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। ये बहुत बड़ा सॉन्ग है, इसमें 5-6 स्टैंजास हैं, तो यूट्यूब पे उसे सुन सकते हो। बस थोड़ा टाइम, समय कम है, इसलिए मैंने शॉर्ट में गाया। तो आप सभी को भीम जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है बुद्ध मित्रा। मैंने पहली बार आपका गाना सुना है और आगे से मैं जरूर से सुनूंगा। इट्स रियली नाइस। और इसी तरह से एंटरटेनिंग बनता रहेगा, सब लोग जो है कोई गाएगा, कोई कहानी सुनाएगा, कोई। नितिन मेश्राम सर जो है इनको पूरा लेके बात चल रही थी, मैंने उनको फोन किया था, मैंने कहा सर एक्चुअली मैं और नितिन सर और फैमिली इनकी, सब लोग बच्चे के साथ में, समानता है, ज्योति मैम है और तेरी गाथा है बेटी, तो हम सब लोग मिलके जो है बाबा साहब की जयंती पे नोएडा पार्क में जाते थे हर साल।
और खूब उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, खाना खाते थे, जो कुछ अपने हिस्से का काम कर सकते थे वो करते थे, बट इस बार नहीं जा सकते थे, तो आई जस्ट कॉल्ड इन कि भाई क्या किया जाए, अब इस बार तो हम सब लोग घरों में ही फंस गए हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो दैट्स हाउ दिस आइडिया केम कि हम लोग कुछ ऑनलाइन मीट का कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक बार नितिन सर को अनम्यूट कर रहा हूँ कि वो कुछ बोले। नितिन सर, ओवर टू यू। दोस्तों जय भीम, आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के 129वीं जयंती मंगल कामनाएं, और इस जीवन जयंती के अवसर पर मैं आप सबको आगे बढ़ने का और जिंदगी में कामयाब होने की मनोकामनाएं और विशेष देता हूँ। और ये जयंती हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना पूरा जीवन हमारे लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष की वजह से ही हम लोग आज बेसिकली डिजिटल हम लोग बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद 20-30 साल पहले किसी को लगा नहीं होगा कि लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन में भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। तो समाज में काफी प्रोग्रेस आ चुका है, और समाज में प्रोग्रेस आ चुका है, उस वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, को और आगे बढ़ने की जरूरत है, और समाज को एक संग रखने की जरूरत है। समाज में बहुत सारे जो न्यू कमर्स है, बच्चे जो अपने समाज के, उनको साइंटिस्ट बनाने की जरूरत है, उन लोगों को लॉयर्स बनाने की जरूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनको आप सब लोग जानते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण जरूरत यह है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की, और उस दिशा में जो टेक्नोलॉजी हमें करती है उसका बड़े से बड़े पैमाने साथ लेना चाहिए। तो जो संविधान हमारे पास कागज के ऊपर है उसको हमें रियलिटी में लागू करना है, क्योंकि जो संविधान कागज पर होता है उसका आम आदमी की जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो जो बाबा साहब ने संघर्ष किया उसका फायदा हर इंसान को होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष। दोस्तों बेसिकली तो मैं सब आप लोगों को सुनने के लिए आया हूँ, तो आई एम ओवर टू आप आगे। थैंक यू सो मच नितिन सर, और आप पूरा विद फैमिली हैं, वैसे मैं भी विद फैमिली हूँ, मेरे बाकी घर वाले सो ही हैं, तो इट्स लवली, इट्स अ फैमिली इवेंट। अरविंद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ हाँ, आपको। तो अरविंद लंदन से हमारे साथ हैं, और आप लंदन यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाई करते हैं। आप अपना परिचय दें लोगों को, और आप बाबा साहब जयंती में क्या कहना चाहते हैं, ओवर टू यू, आप कुछ बताइए उसके बारे में। हेलो, जय भीम एवरीबडी, एम आई ऑडिबल? क्या यस यस आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस, वी कैन हियर यू। यस सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से हूँ, और यहाँ लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलवे कॉलेज में पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। मैं पॉलिटिकल बिहेवियर पर काम करता हूँ, बेसिकली ये देख रहा हूँ कि जो अलग अलग तरीके की असमानता बढ़ रही है उसका लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है लोगों का बिहेवियर, इसी पर मेरा काम है। नए लोग जो हैं उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो लोग अपना न्यू डायरेक्शन में नई प्रॉब्लम्स को लेकर सोचे, नई किताबें पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, नए अलग अलग तरीके के नॉवेल्स, जैसे मीन्स अगर आप लोगों को देखना चाहिए कि एक किताब अभी जल्दी आई थी 2-3 साल पहले, 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, वो बहुत मैसिव जो है अगले 100 सालों के बारे में सोचती है। हम लोगों की जो प्रॉब्लम है ये खासकर इंडियन टिपिकल, बहुत इंडियन प्रॉब्लम है कि वेस्टर्न स्कॉलर्स, बल्कि इसको कहते हैं इंडियन माइंड। तो इंडियन माइंड दो तरीके से काम करता है। एक जो है हम हर चीज में कॉन्स्पिरेसी ढूंढते हैं, षड्यंत्र ढूंढते हैं हर चीज में, और दूसरा चीज जो सबसे बड़ी समस्या है हम हमारी कि हम जो है पास्ट में सोचते हैं पूरा, जो है हमेशा मीस रामायण महाभारत पुराण मीस उसी मोड, जो मोड ऑफ थिंकिंग है, मोड ऑफ थिंकिंग में हम वहीं पड़े रहते हैं कि जिस तरीके से एक एक अपर कास्ट व्यक्ति जो है
पास्ट को लेकर बहुत ऑब्सेशन है हमारा, और वो किसी खास तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है, वैसे ही जो है उसी खास तरीके से हम उसके काउंटर करने की कोशिश में लगे हुए दिखाई देते हैं, मीन्स जिसको हम कहते हैं कि रिएक्शनरी हो जाना। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये देखना चाहिए अभी एक एक वो मोड ऑफ थिंकिंग जो है, उस मोड ऑफ थिंकिंग से भी निकलने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है। और वो मोड ऑफ थिंकिंग है कि आपको फ्यूचर सेंट्रिक होने की जरूरत है, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को देखने की जरूरत है, इमेजिनेट, इसको कहा जाता है कि इमेजिनेटिव होना। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना आए, ये ऐसा हो सकता है कि नहीं कोई इमेजिन कर सके। जब 1950 में चीजें लिखी जा रही थी, किताबें लिखी जा रही थी, और ये जो है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बातें की जा रही थी कि सन 2000 में दुनिया कैसी होगी या 2010 में दुनिया कैसी होगी, तो किसी ने नहीं इमेजिन किया था कि जो है 2010 में दुनिया में इंटरनेट हो जाएगा और हम लोग बैठ के सब लोग इस तरह अम्बेडकर जयंती मना रहे होंगे, ये वर्ल्ड में नहीं एक्सपेक्ट हुआ था। ऐसे ही जब अभी 5 साल पहले बात की जा रही थी तो नहीं किसी को इमेजिनेशन, थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा पब्लिक इमेजिनेशन में नहीं था कि कोई ऐसी महामारी भी आ जाएगी इस समय जब सबको घर में बंद बैठ जाना पड़ेगा, सारी फ्लाइटें कैंसिल हो जाएंगी, और इस तरह का इमेजिनेशन नहीं था। ये सारी चीजें मीन्स जो एब्रप्ट चीजें होती रहती हैं, बट प्रोवाइडेड दैट हमें जो है फ्यूचर की तरफ सोचना चाहिए। अगर हम फ्यूचर की तरफ सोचेंगे, फ्यूचर की तरफ डायरेक्शन होंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको भूल जाएंगे, उनको नहीं देखेंगे, बल्कि फ्यूचर की तरफ देखने का मतलब ये है कि हमें, अगर हम प्रॉब्लम सेंटर्ड बात करें और प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग कैपेसिटी बिल्डअप करें, तो जो है हम भविष्य की तरफ देख पाएंगे। मैं जो है फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं यहाँ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, और बहुत ये प्रॉब्लम बहुत मैसिव है अपने यहाँ की। जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो दलित स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और आगे आगे बढ़ के जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करें, बट इन सारी जगहों पर यही है कि आपको वो देखते हैं कि क्या आपको कोई जो है समस्या पर काम करना चाहते हैं, कोई समस्या को लेकर आप उलझे हुए हैं, अब जो आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में वो समस्या बड़ी हो सकती है, अगर उस तरह की चीज पर कोई काम करने के लिए तैयार होता है तो ये कंट्रीज जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। अगर जो है कोई मीन्स इतिहास में ही फंसा हुआ है तो उसके लिए अवसर नहीं है, और शायद जो है भविष्य उस मीन्स भविष्य जो है उस तरह के लोगों को के लिए अवसर कम उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, अगर कुछ बातचीत होगी तो आगे बात करें। जी थैंक यू सो मच अरविंद भाई। आप निश्चित तौर पे वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जब सीढ़ियाँ चढ़ते होंगे तो आप बाबा साहब को प्रेरणा के रूप में देखते होंगे, और हम भी उनको बहुत प्रेरित होते हैं उनके जीवन से। थैंक यू सो मच आपने जो कहा। विनोद सर जो हैं वो दिल्ली में अभी पिछले कुछ दिनों से इनसे मेरा परिचय हुआ, या ये ग्राउंड लेवल पे अम्बेडकराइट मिशन के लिए बहुत काम करते हैं, चाहे लोगों को जागरूक करना हो या फिर उनको किसी तरह की मदद देना, कि आपको अम्बेडकराइट जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की मदद, चाहे मेडिकल हेल्प हो या फिर फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर लीगल एड हो, तो मैंने आज तक संगठनों को सिर्फ बतियाते हुए देखा है, बट विनोद सर इज अ गाय हु इज डूइंग ऑन ग्राउंड लेवल वर्क, तो वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। आई एम रियली बिग अप्रिशिएटर फॉर हिम। विनोद सर आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज एक बार सब लोगों को अपना परिचय दें और आप अपनी बात रखें। जी सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भीम जनता की सभी साथियों को, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सभी लोगों के साथ आज मैं जुड़ा, और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं कुछ वर्षों से मुझे मौका मिला सबके साथ मिलने का। लेकिन एक बात सबसे बड़ी जो मैं कहना चाहूंगा, जैसे अरविंद जी ने भी अभी कहा कि हम भारतीय जो है सबसे पहले किसी भी बात में कॉन्स्परेंसी या षड्यंत्र ढूंढते हैं अगर कोई भी व्यक्ति कोई मिशन के लिए अच्छा काम करना चाहता है, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे अरविंद जी की। और कुछ वर्षों में जो मैंने देखा बाबा साहब से जुड़े जो व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े जो व्यक्ति हैं, मिशन से जुड़े जो व्यक्ति हैं, वो लोग
स्वयं अपना विकास तो करना चाहते हैं, बाबा साहब से जुड़ा हुआ साहित्य खुद तो पढ़ना चाहते हैं, खुद तो जानना चाहते हैं, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो भी करना चाहते हैं अधिकतर जो लोग मैंने देखे, लेकिन वो सभी बाबा साहब के अनुयायी और कितने लोगों को आगे बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब का दिखाया मार्ग, मानवता का मार्ग सिखाते हैं, इसमें मुझे बहुत कम व्यक्ति समाज में देखने को मिले। मैंने कई व्यक्ति से पूछा भी, आप बाबा साहब की बातें करते हैं, आइडियोलॉजी की बातें करते हैं, मानवता की बातें करते हैं, बुद्धिज्म की बातें करते हैं, क्या आपके पास 50 लोग हैं जिसको आप सिखा पाए आज तक जीवन में? क्योंकि एक लाइन होती है, फर्स्ट लाइन, वो लाइन कुछ दिन चलती है। हमारे समाज में बड़े बड़े नेता हुए, लीडर्स हुए, बाबा साहब के मानने वाले बड़े बड़े अनुयायी हुए, लेकिन वो मानवता का मार्ग, बाबा साहब का दिखाया मार्ग उनके जीवन के बाद उन्हीं के साथ चला गया। जहां तक मुझे लगा कुछ काम नहीं आया, उनके घर के 4 सदस्यों को काम आया होगा, आसपास के 5 रिश्तेदारों को काम आया होगा, लेकिन जब हम इतनी बड़ी बातें करते हैं तो क्या हम अपने साथ 50 लोगों को और बाबा साहब का दिखाया मार्ग नहीं सिखा सकते, नहीं बता सकते? एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। एक व्यक्ति के 50 साल की उम्र भी अगर हम लगाएं, उस 50 साल की उम्र में अगर 10 साल एक व्यक्ति बाबा साहब का दिखाया मार्ग और लोगों को बताने का काम करे, अगर अपने जीवन में 10 साल भी वो ऐसा काम करता है, तो 365 × 10 आप कर लीजिए, कितने व्यक्तियों को बाबा साहब का दिखाया मार्ग को बता सकता है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बातें करता हूँ, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बाबा साहब की अनुयायी भी हैं, आइडियोलॉजी को मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं, शायद मैं उतना अच्छा नहीं समझ पाता हूँ। और अभी कुछ लोगों ने मुझे पोस्ट लिखा कोरोना के बारे में, काफी लोगों को खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाने का काम हमारी टीम कर रही है, बहुत सारे सदस्य हमारे कर रहे हैं, लेकिन वो सदस्य कौन लोग हैं? वो अनसीन हीरोज हैं समाज के, जिनको अच्छा भाषण देना नहीं आता, माइक पकड़ना नहीं आता, शायद मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड करना नहीं आता होगा। सुमित जी, आपने कई लोगों को कॉल किया, उनको ये नहीं पता कि कैसे इसको लिंक करेंगे, ठीक है, बट दे आर ऑल अनसीन हीरोज इन आवर सोसाइटी। ये लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम को हमें बताने और दिखाने का काम भी करना चाहिए, उन लोगों को बाबा साहब के मिशन के बारे में गली कूचों में से लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो घर घर बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब की बताई बातें आसान भाषा में लोगों को कम शब्दों में पहुंचाने की योग्यता रखते हो। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच विनोद जी, आपने जो कहा बिल्कुल बहुत मायने रखता है। आज हमने इस विषय को रखा भी था कि बाबा साहब के जो मिशन को हम लोग जन जन तक कैसे पहुंचाएं, उस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। तो हमारे साथ यूट्यूबर हैं मिलिंद्र गौतम, जो कि यूटीवी नाम से अपना चैनल चलाते हैं, और टॉप 85 नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है। कहते हैं राष्ट्रीय रास्ते के कवि, कहते हैं राष्ट्रीय रास्ते के कवि कि बदलते नहीं नेचर और सिग्नेचर कभी, कहते हैं राष्ट्रीय रास्ते के कवि बदलते नहीं नेचर और सिग्नेचर कभी। तो मैंने उस दोस्त को कहा कि मेरे दोस्त, जाओ बुद्ध और भीम के मार्ग पे, बदल जाएंगे नेचर और सिग्नेचर अभी अभी और अभी। तो वो इसलिए बदल जाएंगे कि अगर हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर के मार्ग पे चलते हैं तो हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, और हम जब पढ़ना लिखना सीखते हैं तो अपने सिग्नेचर जो है वो हम 10 बार 50 बार 100 बार इस पेन से, इस कलम से हम बदल सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ हैं तो अंगूठा टेक होंगे, नहीं बदल पाएंगे, और अगर बुद्ध के मार्ग पे जाएंगे तो कितना भी अंगुली माल की तरह, कितना भी दैत्य आदमी हो, वो भी बदल जाएगा, वो भी साधु बन जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि आज जो है हम लॉग आउट पे जो खड़े हैं, ये सभी साधु लोग हैं, कोई भी हैवान आदमी नहीं है या राक्षस टाइप का आदमी नहीं है। मैं इन सबको साधुवाद करता हूं और अपनी पूरी जनता को यही कहना चाहूंगा, मोमबत्ती जरूर जलाएं, पकवान घर पे जरूर बनाएं और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अभी एक फैमिली, वो एक बच्चा पीली टी शर्ट पहने और पूरी फैमिली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरी फैमिली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एंजॉय कर रही है। तो आप लोग भी, कल का जन्मदिन जो बाबा साहब का बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन भर हम लोगों को याद रहेगा जब तक हमारी लाइफ रहेगी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप ताली बजा सकें, क्योंकि भाई साहब ने ताली की जो है वो डिमांड रखी है। मैं भी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप करते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग नैन्सी रंगा के पास चलते हैं। नैन्सी,
आप सभी को मेरा जय भीम। मैं नैन्सी रंगा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ बुद्धिज्म में, फाइनल ईयर है और YFSJ की मेंबर भी हूँ। तो आज हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। वैसे तो हर साल हम पार्लियामेंट जाते हैं, टाइम से जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बट इस साल कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं जा पाए हैं। बट हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम नहीं भी जा पाए हैं, लेकिन आज हम सब लोग बैठ के कम से कम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे के विचारों का रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास ऐसा सच कुछ है नहीं बोलने के लिए, बट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि तुमने बुद्धिज्म में एडमिशन क्यों लिया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट है वो बदनाम है बड़ा। वो इसलिए बदनाम है क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो पॉलिटिक्स करने के लिए जाते हैं। तो मुझसे काफी लोगों ने सवाल किया कि तुम इसी डिपार्टमेंट में क्यों जाना चाहती हो। तो वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से किया हुआ है, उसके बाद बीएड भी किया हुआ है, बट मेरा बुद्धिज्म में जाने का एक रीजन था, और वो रीजन ये था कि मैं बाबा साहब और गौतम बुद्ध और महिलाओं, इन तीनों चीजों को एक साथ लेके इन पे पीएचडी करना चाहती हूँ। सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैंने बुद्धिज्म में एडमिशन लिया। भीम जयंती की, बाबा साहब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि कल सभी आप लोग इसको बहुत अच्छे से मनाएं, जो खाने का मन करे वो बनाए, अच्छा अच्छा बनाए, और दी कैंडल्स जरूर जलाएं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नैन्सी आप अपनी बातें रखने के लिए। अभी आई एम जस्ट स्पीकिंग रैंडमली, तो डॉक्टर अखिलेश भारती को मैं देख पा रहा हूँ। डॉक्टर अखिलेश भारती, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और अपने जो भी विचार हों बाबा साहब से जुड़े हुए वो हम लोगों के साथ साझा करें। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। सुमित जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप अपनी बात रखें। सुमित जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और पहली बार इस तरह के कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूँ। ये बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया और ढेर सारे लोगों को एक साथ जुड़ा। तो सुमित जी, मैं और अपने सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को फॉलो करते हैं। तो अरविंद जी ने भी बड़ी अच्छी बातें बताई कि फ्यूचर के विजन को लेके, कि आने वाली जनरेशन को किस तरह से फ्यूचरिस्टिक ना है, तभी हम विकास के एजेंडे पे और विकास के मुख्य धारा में बने रहेंगे। और अरविंद जी के अलावा विनोद जी भी ने बात बताई कि हम लोग जो है, विनोद जी की बात बहुत अच्छी लगी हमको कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब को एक बड़े फलक पे स्थापित हम क्यों नहीं कर पा रहे। बड़े फलक पे स्थापित हम इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम खुद थोड़ा सा ईमानदार नहीं है। ईमानदार इन द सेंस कि हम रोल मॉडल नहीं बनना चाहते हैं। बाबा साहब एक सोसाइटी के रोल मॉडल थे, तो अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमको भी बाबा साहब की तरह रोल मॉडल बनना चाहिए, और जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे तब तक लोगों तक बाबा साहब को नहीं पहुंचा पाए। तो देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमको केयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, तभी हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होंगे और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को भी हम पहुंचा पाए। अदरवाइज हम जयंती मनाते हैं और हम एक दूसरे के साथ खड़े हों तो हमारे जयंती मनाने का और सेलिब्रेशन करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मित्रों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा, नैन्सी रंगा जैसे स्कॉलर भी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, और यूथ फॉर सोशल जस्टिस जैसे संगठन दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे दिल्ली में काम कर रहे हैं, जिनका मैं हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं कि हमेशा जो है एक इंटेलेक्चुअल और सोसाइटी के साथ रहते हैं। और सुमित जी, आप जैसे और अशोक दास जैसे लोग हैं जो मीडिया के माध्यम से जो है हमेशा समाज को सच्चाई दिखाते रहते हैं, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कंट्रीब्यूशन समाज कभी आपका नहीं भूलेगा। और इसी कड़ी में मैं भी चाहता हूं कि आपके इस कदम के साथ कहीं अगर मुझे भी स्पेस मिलता है तो मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती की सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका जो अनुभव है उससे हम सीख सकते हैं, और जरूर हम लोगों को आपस में एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए।
और हम लोगों ने अपील भी की है कि इस बार जो हम जयंती के लिए जो पैसा खर्च करते थे उसे या तो आप बाबा साहब के मिशन के काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को दे दीजिए और या फिर अपने आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उसके लिए वो दे दीजिए। अग्नि पर आ जन्म प्रकाशन अग्नि वर्चिर निद्रा घेसी बिझेल ही चिता परंतु प्रकाश रहला तुझा चिरंतन। इसका मतलब यह है कि जिंदगी भर आग पर चलते रहे, ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे और आखिरी समय पर भी आप आग पर लेटे हुए हो, लेकिन ये चिता तो बुझ जाएगी परंतु आपका प्रकाश चिरंतन यानी स्थायी रूप में रहेगा। वो प्रकाश हम आज देख रहे हैं बाबा साहब का, और उसी प्रकाश में जो विचारों का प्रकाश है, जो उनके काम का प्रकाश है, बाबा साहब हमारे बीच में हमेशा मौजूद हैं। तो किस रूप में मौजूद हैं? अपने काम की वजह से। अशोक दास जी जो उम्र और उसका हिसाब कर रहे थे 60 साल का 50 साल का, अगर किसी ने 100 साल जीकर भी कुछ काम नहीं किया तो उस उम्र का कोई मतलब नहीं है। और अगर काम करने वाले 10 साल में 20 साल में भी अगर कर जाते हैं तो वो रहता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपने जीवन के कितना कितना हिस्सा सामाजिक कार्यों को दिया है। एक कविता है कालीचरण स्नेही की, मैं अपनी नहीं सुना रहा, वो गाते हैं उसे, बाबा खूब जी तो कर गए घर घर दीपक धर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए ऐसी पड़ी पढ़ाई उन पंडित पानी भर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए। तो ये लोक भाषा में है लेकिन मतलब हम सब समझ रहे हैं कि बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ गए कि जो तथाकथित ज्ञानी थे वो भी पीछे छूट गए और पानी भर गए। अब सवाल ये है कि बाबा साहब ने जो पढ़ाई की या जो काम किया उसमें उन्होंने सपना क्या देखा, क्यों ये सब किया? अभी हम देख रहे हैं कि एक बीमारी से देश गुजर रहा है, दुनिया गुजर रही है। आवाज आ रही है सुमित जी, सुन रहे हैं? जी सर, सर सुन रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। सुन रहे हैं जी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब न केवल सामाजिक डॉक्टर थे, वो मानसिक बीमारियों का भी इलाज कर रहे थे। और आप देखिए कि मानसिक बीमारी से हमारा देश ज्यादा ग्रसित है और वो बहुत बड़ी बीमारी रही है, आदमी से आदमी की नफरत करना, अस्पृश्यता। जी देखेंगे बाबा साहब ने कहा, एक 1948 में अनटचेबल बुक छपी यहीं से दिल्ली से, पृथ्वीराज चौहान, ये जो पृथ्वीराज रोड से, मेरे पास उसकी पहला संस्करण उपलब्ध है और मेरे एक रिलेटिव जो IAS अफसर थे उन्होंने मुझे भेंट किया था। तो उसमें बाबा साहब ने जो बात कही कि 6 करोड़ दलित और 2 करोड़ जराइम पेशा और 1.5 करोड़ जो है वो आदिवासी आपने अछूत बना दिए और वो मुख्य धारा से बाहर कर दिए, उनको अगर मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो आजादी का क्या मतलब है? इट वॉज ए वंडरफुल इवेंट एंड आई रियली एंजॉयड। बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को, और यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट थ्रू माई मोबाइल, और इफ आई एम फ्री आई विल डेफिनेटली स्पीक टू यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और फिर किसी दिन ऐसे ही किसी दिन हम लोग फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट आप सब लोगों को। जय भीम सर, जय भीम। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।